स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। मैं हूं निखिल और हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे होमोलोगस सीरीज क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं इस वाले पार्ट को। तो अभी तक हम लोगों ने कैटेनेशन एंड फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिया, नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हो। कैटेनेशन क्या होता है? कार्बन एटम कैन लिंक टुगेदर टू फॉर्म चेन, ठीक है। कार्बन कार्बन एटम अटैच होते चल जाएगा और चेन जो बनाता है उसको हम लोग कैटेनेशन करेंगे। कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसका वीडियो बनाया हुआ है। उसके बाद एक दूसरा प्रॉपर्टी आ जाता है, प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंट्रोल द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड। तो फंक्शनल ग्रुप हमने बता दिया कैसे बनता है, तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में वीडियो उसका भी है, आप जाके देख सकते हो। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि इसके साथ अटैच हो जाता है, मान लो कि अल्कोहल ग्रुप OH ग्रुप अटैच हो गया या कार्बोक्सिक ग्रुप COOH यहाँ पे अटैच हो गया या एल्डिहाइड अटैच हो गया, कीटोन अटैच हो गया, क्लोरीन ब्रोमीन ये सब अटैच हो गया, तो इसके कारण पूरा इसका नेचर चेंज हो गया। ये दोनों चीज हम लोगों ने समझ चुके हैं, ये हम लोगों की जानकारी है, ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये चीज आप जानते हैं। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है? सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, वो नंबर ऑफ कार्बन का जो चेन है वो डिफर होते जा रहा है, लेकिन सेम फंक्शनल ग्रुप उसमें लगते जा रहा है, तो उस सब की प्रॉपर्टी आपस में सेम होते जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ लो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल सी, कार्बन का नंबर देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है OH फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ नंबर ऑफ कार्बन चेन कितना है, सिंगल है, एक कार्बन। वही चीज यहाँ पे देखो, सेम फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया, दो हो गया। सेम चीज इसमें देखो, अल्कोहल का नंबर कितना है, सेम OH ग्रुप लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, लेकिन कार्बन नंबर 3। यहाँ पे देखो OH ग्रुप अल्कोहल सेम लगा हुआ है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, ठीक है। इन चारों की प्रॉपर्टी, ठीक है, इन चारों की प्रॉपर्टी आपस में सेम हो जाएगी। सेम मतलब कि सिमिलर हो जाएगी, मतलब एक की प्रॉपर्टी अगर हम लोग निकालते हैं तो इन सब की भी उससे मिलती जुलती केमिकल प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं मिलने वाला। ये चीज दूसरे फंक्शन ग्रुप के साथ भी हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम लोग कार्बोक्सिक एसिड ग्रुप का एग्जाम्पल लेते हैं, तो CH3COOH ये कंपाउंड बन गया जिसमें आप देख सकते हो दो कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो CH3CH2COOH, ठीक है, इसको मैं खोल के आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, मेरे यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कार्बन का नंबर कितना था, यहाँ पे ये तो फंक्शन ग्रुप हो गया COOH, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 हो गया, ये फंक्शन ग्रुप सेम हो गया, कार्बन का नंबर 2 हो गया। अब और बढ़ाते हैं CH3CH2COOH, यहाँ पे देखो कार्बन का नंबर कितना हो गया, 3 हो गया, यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेम है, ठीक है। इस कार्बन को अभी के लिए मैं काउंट नहीं कर रहा, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ते जा रहा और सेम फंक्शनल ग्रुप रहता है, तो इस तरह का जो सीरीज बनेगा उसको हम लोग कहेंगे होमोलोगस सीरीज, ठीक है। इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी लगभग लगभग मिलती जुलती रहती है, ओके। अब एक चीज और समझते हैं, डिफरेंस ऑफ CH2 इन अल्केन अल्कीन एंड अल्काइन। अब यहाँ पे एक चीज देखो, मैं मीथेन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ CH4, ठीक है, इसके बाद इथेन का बनाते हैं सी, इसको मैं खोल के ही बनाता हूँ तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, CH3CH3, ठीक है। इसके बाद अब मीथेन हो गया, इथेन हो गया, आप प्रोपेन का बनाते हैं CH3CH2CH3, अब ब्यूटेन का बनाते हैं CH3CH2CH2CH3, ठीक है। पेंटेन का बनाते हैं CH3CH2CH2CH2CH3, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर जो दूसरा जो कार्बन चेन बन रहा है, इससे इसमें गया, चाहे इसमें गया, चाहे इसमें दिया, सब में अगर हम लोग फॉर्मूला इसका पूरा अगर कंबाइन करते रहते हैं, CH4 लिखाएगा, इसका क्या लिखाएगा C2H6, इसका देखो तो C3H8 C4H10 C5H12, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो सब में आप एक चीज ध्यान दो, CH2 का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, इसमें अगर CH2 जोड़ेंगे तो C+C2C हो गया, और 4 हाइड्रोजन है उसमें 2 हाइड्रोजन 6 हो गया, मतलब कि इसमें अगर ये चीज को प्लस कर दे ये बन जा रहा है, ठीक है। फिर इसमें अगर CH2 का ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा, आप यहाँ पे देखो
एक कार्बन जोड़े तीन हो गया, यहाँ पे दो जोड़े तो आठ हो गया, यहाँ पे आप देखो चार में एक जोड़ देंगे तो पांच, और यहाँ पे दो जोड़े तो सब में देखो तो CH2 का डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो तो सेम स्ट्रक्चर है सब में, बस CH2 यहाँ पे एक था, यहाँ पे देखो दो हो गया, यहाँ पे देखो तीन हो गया, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे हेक्सेन जाएंगे तो CH2 का डिफरेंस यहाँ पे हो रहा है। यही सेम चीज अल्केन में हुआ, अल्कीन में भी होगा और अल्काइन में भी होगा। तो यहाँ पे ये जो होमोलोगस सीरीज है यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है कि CH2 का अंतर पड़ते जाता है, और यहाँ पे ये एक कंपाउंड से दूसरा अल्कीन अल्काइन यहाँ पे ये चीज बनते जाती है। तो यहाँ पे CH2 का यहाँ पे डिफरेंस होता है। अगर हम लोग अल्कीन में देखना चाहें तो भी सेम हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन हो गया, अब मीथीन तो होता नहीं है, इथीन हो गया, यहाँ पे सी, अब यहाँ पे इसका प्रोपीन का बनाते हैं तो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH CH2, ठीक है। उसका इसके बाद यहाँ पे हम ब्यूटीन का बनाएंगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे भी आप अगर डिफरेंस देखना चाहो तो यहाँ पे क्या होगा C2H4, इसका क्या बनेगा C3H6 6 होगा, 3 2 5 1 6, ठीक है, और इसमें जाओ तो C4H8, ठीक है, तो 3 2 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है CH2 का ही डिफरेंस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप देखो दो में एक जो तीन हो गया और चार में दो जोड़ा छह, यहाँ पे भी देखोगे तो CH2 का डिफरेंस आएगा। इसी तरह से इथीन में भी देखे, इथाइन में भी होगा, अल्काइन में भी होगा, अल्कीन में भी होगा, अल्केन में भी, तो हर जगह पर डिफरेंस जो है CH2 का आएगा। और यहाँ एटॉमिक मास का अगर डिफरेंस देखना चाहे तो 12 हो गया कार्बन का प्लस हाइड्रोजन का हो गया दो, यहाँ पे 14 का यहाँ पे एटॉमिक मास का भी डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एक का अगर हम लोग पता है तो CH2 जोड़ देंगे तो उसका नेक्स्ट वाला निकल जाएगा। जैसे पेंटेन का हमें फॉर्मूला पता है तो CH2 जोड़ देंगे तो उसका अगला जो हेक्सेन आता है उसका स्ट्रक्चर मिलेगा। इसी तरह से दूसरे में भी होगा, अल्केन अल्कीन अल्काइन तीनों में ये चीज होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। अब हम लोग समझते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों का देख लेते हैं क्या अंतर हो जाता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया होमोलोगस सीरीज में सबका प्रॉपर्टी मिलता जुलता हो जाता है अगर सेम फंक्शन होता है। एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज इन एनी होमोलोगस सीरीज ए ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी सी, ठीक है। अब आप देखो CH2 CH2 का डिफरेंस हो रहा था, मिथाइल अल्कोहल में जैसे अल्कोहल अगर ग्रुप जोड़ दिए तो मिथाइल अल्कोहल में और इथाइल अल्कोहल में मतलब कि CH3OH में और CH3CH2OH में दोनों में आप देखो यहाँ पे CH3OH और CH3CH2OH, ठीक है, OH है यहाँ पे, ठीक है। अगर इस दोनों में देखो तो CH2 CH2 का डिफरेंस हो रहा है 14 14, जैसे वही बताया 14 14 AMU का डिफरेंस यहाँ पे बढ़ते जाता है, एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस यहाँ पे बढ़ते जाता है। जैसे जैसे इसकी जो मोलर मास इंक्रीज होते जाएंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा हमें चेंजेस को दिखेगा, ग्रेडेशन होगा, मतलब कि अपवर्ड की तरफ जाएगा, क्या अपवर्ड की तरफ जाएगा, दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग, दिस इज इसी के कारण जो एटॉमिक मास बढ़ जा रहा है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही इंक्रीज होते जाएंगे, मतलब कि अगर दो कार्बन चेन का है और उसके बाद अगर तीन कार्बन चेन तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दो वाले से ज्यादा हो जाएगा तीन वाले कार्बन में, ठीक है, तीन से ज्यादा हो जाएगा चार वाले कार्बन में जिसमें नंबर ऑफ कार्बन की संख्या चार है, चार से ज्यादा हो जाएगा पांच में, पांच से ज्यादा हो छह में, ऐसे से बढ़ते जाएंगे तो एक सीरीज हमें पता चल जाएगा कि हाँ अगर हम लोग हायर कार्बन के तरफ जाते हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इन ए पार्टिकुलर सॉल्वेंट आल्सो से ए सिमिलर ग्रेडेशन, ठीक है, सॉल्युबिलिटी में भी फर्क यहाँ पे पड़ने लगेगा, ठीक है, जो कम कार्बन चेगा वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा नंबर ऑफ कार्बन से उसकी सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे गिरते जाएगी। बट दिस कैन बट द केमिकल प्रॉपर्टीज विच आर डिटरमाइंड ओनली बाय द फंक्शनल ग्रुप रिमेन सिमिलर इन ए होमोलोगस सीरीज, ठीक है, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें कोई खास चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो CH3OH है और यहाँ पे CH3CH2OH है, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, दोनों के प्रॉपर्टीज में हमें ज्यादा चेंजेस को देखने, केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करो यहाँ पे ज्यादा चेंजेस के देखने को नहीं मिलेगी, जैसा ये रिएक्शन शो करेगा उसी से लगभग लगभग ये रिएक्शन शो करेगा, लेकिन हाँ
फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा, ग्रेडेशन होते जाएगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट एक का हमें पता है, इसका पता है कि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट पी है, ठीक है, तो इसका मतलब पक्की बात है कि इस पी का जो भी वैल्यू आता है, मान लो 100 वैल्यू है, तो इसका मतलब पक्की बात है तो इसका वैल्यू 100 से अधिक होगा, 100 प्लस होगा। कितना होगा एग्जैक्ट तो नहीं निकलता है, लेकिन इससे ज्यादा होगा, ये पक्की बात है। इसके बराबर या इससे कम हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा ही होगा, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें लगभग लगभग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।